विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। आपने कभी सुना है कि सोनोग्राफी जांच के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है? शायद ही आपने सुना और देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ना केवल लाइन लगानी पड़ रही है बल्कि घंटों इंतजार के बाद भी जांच नहीं हो पा रही। क्यों फैली है ये अव्यवस्था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कतार किसी राशन दुकान की नहीं है, ये लाइन किसी मंदिर में लगे श्रद्धालुओं की नहीं है, बल्कि ये लाइन तकलीफों से जूझ रहे मरीज और उनके परिजनों की है। अंबिकापुर के श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए ऐसे ही लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन भी एक नहीं बल्कि दो दो लगती हैं और इतने में नंबर आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं परसों आया हूँ। दो दो दिन तक लोग इसी लाइन में लगे रहते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वो मरीज भी घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं, जिन्हें एक पल के लिए भी खड़ा होना मुश्किल है। खड़ा होने नहीं सक रही हूँ मैं, एकदम चक्कर टाइप आ रहा है मेरे को। तो कोई ऐसा भी है जो अपने गंभीर हालत में भर्ती मरीज को छोड़कर घंटों लाइन में धक्का खा रही है? अभी तक मैं काल भी आई थी, आज भी आई हूँ, और मेरे पति को सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। ये आंसू बताते हैं कि खामियां कितनी है, लापरवाही कितनी है, जिसका खामियाजा सरगुजा के सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना भुगतना पड़ रहा है। आप जो लाइन देख रहे हैं दोनों तरफ मेरा, ये कोई राशन दुकान का या किसी काउंटर का ये लाइन नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी कराने के लिए लोगों का लाइन लगा हुआ है। किस तरीके से लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। कल हम लोग आए थे तो कल हम लोग का नहीं हो पाया, तो फिर कल बोले कि आज आने के लिए, तो फिर आज फिर से आए हैं। तो कल सोनोग्राफी नहीं हो पाया? नहीं, कल नहीं हो पाया। आज दूसरा दिन है? जी आज दूसरा दिन है। मैं परसों से आया हूँ, तो दो दिन आया तब सोनोग्राफी के लिए आया मैं, लेकिन हो नहीं पाया। कहता है कि नहीं परसों आइएगा, तो आज आया हूँ। आज जो भी लाइन में खड़े हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, 60 आदमी से बेसी नहीं ले पाऊंगा बोलता है। बहुत परेशानी हो रहा है, मरीज बेड में है, दूसरे कोई लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कैसे लगवा रहे हैं लाइन पे। मेरे पति को भी मैं छोड़ कर आई हूँ, बेड में अकेली सो रहे हैं, और यहाँ आके मैं अकेली लाइन लग रही हूँ। अभी तक मैं काल भी आई थी, आज भी आई हूँ, और मेरे पति को सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। इनके पति का हालत सीरियस है ना, ये रो रही हैं लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये बताइए यहाँ पे, ये देखिए पेशेंट खुद लाइन में लगी हुई है, इनके हाथ खड़ा होने नहीं सक रही हूँ मैं। हाँ। एकदम चक्कर टाइप आ रहा है मेरे को। हाँ। चार दिन से आज हो गया है, आज नहीं होता है, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, ऐसे बोल के ना भेज देते हैं आपस। अब ये लंबी लाइन अगर लगने लगे सोनोग्राफी के लिए तो उस मेडिकल कॉलेज को सोचना चाहिए, उसके प्रबंधन को सोचना चाहिए। हाँ, देखिए बाहर तक महिलाओं की लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन है, ये सोनोग्राफी की लाइन है। लाइन में लगकर तो किसी तरह मरीज अपने नंबर का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब दिन भर खड़े रहने के बाद उन्हें बिना जांच के ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। कल हम लाइन लगे थे 8 बजे से, जब नंबर आखिरी पहुंचा तो मैम बोल रही कि 60 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही कोटा पूरा है। जबर रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम लोगों को मना कर दी, पर्ची ही नहीं काटी। आज आए आज भी वही हाल है। परसों दो तीन दिन से हम आ रहे हैं यहाँ पे करवाने के लिए, बहुत दिक्कत है यहाँ पे, व्यवस्था ठीक नहीं है। कल से लाइन में लगा है, टिकट कल को मिला है, 55 नंबर नहीं हुआ, आज फिर आए। कल नहीं हुआ, आज होगा तो होगा, नहीं होगा तो घर जाएंगे। फिर अस्पताल के जिम्मेदार ये मानने को तैयार नहीं है कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन कमियों की बात जरूर कह रहे हैं। ओपीडी में रोजाना 500 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं, 700 मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन संसाधन नहीं। अस्पताल में 2 सोनोग्राफी मशीन मौजूद हैं, एक ही रेडियोलॉजिस्ट की लगती है ड्यूटी। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की जगह खाली है। हमारे पास अभी मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उस प्रोपोर्शन में हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कम है, और जो है भी तो उसमें से कुछ कोर्ट एविडेंस में निकल जाते हैं,
कभी किसी को कोई व्यक्तिगत कारण से एक आध दिन छुट्टी भी लेना पड़े तो इस कारण से पेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ती है। इसका प्रयास किया जा रहा है कि और कुछ हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट बढ़े तो ये व्यवस्था में थोड़ा सा और सुधार किया जाएगा। सोनोग्राफी रूम के सामने की तस्वीरें तो महज एक बान की हैं जो अस्पताल की खामियां उजागर कर रही हैं, और ऐसा ही हाल पूरे अस्पताल में है क्योंकि यहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भारी कमी है। 1100 डॉक्टर कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, 280 डॉक्टर कर्मचारियों के पद अभी भी खाली हैं। रेगुलर भर्ती ना होने के चलते खाली पड़े हैं पद। जीवनदीप समिति और संविदा से चल रहा है अस्पताल। नया भवन बनकर तैयार ना होने से मरीज भी परेशान है। असुविधा, अव्यवस्था, बद इंतजामी, कुछ भी कहिए, लेकिन ये मानना पड़ेगा जहां दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए मरीज जिस अस्पताल में पहुंच रहे हैं वहां की व्यवस्थाएं उन्हें परेशान कर रही हैं। हैरानी होती है जब सोनोग्राफी जैसी जांच के लिए मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़े, क्योंकि ये जांच ज्यादातर उन्हीं मरीजों की होती है जिनकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती। अब देखना होगा कि आखिर प्रबंधन को ये खामी कब नजर आती है, क्योंकि इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आखिर प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से आगे काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मरीज और उनके परिजन जब परेशान होंगे तो आखिर सरकारी जो अस्पताल हैं उनके प्रति उनका क्या नज़रिया बनेगा, और यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों के प्रति आम लोगों का जो नज़रिया है वो सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों के परिजन किन हालातों में लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इस अव्यवस्था और मरीजों की तकलीफ से कोई इत्तफाक नहीं है। उम्मीद है ये खबर देखने के बाद सिस्टम की नींद खुलेगी और जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। मगर प्रदेश तो बदला मगर परेशानी वही। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ के जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी जांच के लिए भटक रही हैं, क्योंकि यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, और बाहर से जो आते हैं वो भी हफ्ते में महज कुछ दिनों के लिए ही जांच करते हैं। महिलाएं लगातार चक्कर लगाती रहती हैं, चाहे उनकी हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। जिला अस्पताल में गर्भवतियों को परेशानी, कैसे होगी महिलाओं की सोनोग्राफी जब अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं। ये भीड़ देख रहे हैं ये वो महिलाएं हैं जो उम्मीद से हैं, लेकिन नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में इनकी उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। कोई शुरुआती दौर में है तो कोई 5 से 6 महीने की गर्भवती है। ऐसे में सोनोग्राफी कितनी अहम है ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल में ये महिलाएं कई दिनों से सोनोग्राफी के लिए भटक रही हैं। कोई तो ऐसा भी है जिनकी हालत सीरियस है लेकिन फिर भी सोनोग्राफी नहीं हो पा रही। सोनोग्राफी के लिए आए डॉक्टर, अर्जेंट मांग रहे सोनोग्राफी, पर्ची नहीं ले रहे मैडम, जमा ही नहीं कर रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। कितनी परेशानी आप लोगों को? अभी बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे को भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? डॉक्टर ने बोला अर्जेंटली सोनोग्राफी लाओ। और यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पर्चा जमा नहीं करवाते। कब से लगे हैं? हम सुबह से बैठे हुए हैं। कुछ नंबर आने की उम्मीद है आपकी? नहीं, पर्ची जमा नहीं करी। परेशानी इतनी ही नहीं है, यहाँ कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो दूर दूर से आई हैं, लेकिन कई दिनों तक इनकी सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। जो परिवार से संपन्न है उनके पास तो निजी अस्पतालों में जाकर सोनोग्राफी कराने का विकल्प है, लेकिन उनका क्या जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सोनोग्राफी कराने। कब से होना था? 19 तारीख से परेशान हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से लाइन में लगे, बोले आज मैम नहीं आएगी। कितना परेशान होना पड़ता है सोनोग्राफी के लिए? बहुत होना पड़ता है, एक हफ्ते से परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं हुई एक हफ्ते? कभी मैम बोलती पर्चे जमा नहीं होंगे, कभी मैम नहीं आती। 4-5 दिन हो गए सर परेशान होती हूँ। क्यों नहीं हो पा रही सर? पता नहीं, सरकारी काम है, कैसा हॉस्पिटल है। कब कब होना था आपकी सोनोग्राफी? कल का बोला था सर, फिर कल भी नहीं हुआ। ये सोनोग्राफी नहीं हो पाई तो आपके ट्रीटमेंट में भी दिक्कत आ रही? हाँ दिक्कत है ना सर, बहुत दिक्कत है। ये तो परेशानी आपने देखी, आप परेशानी की वजह को भी तसल्ली से समझ लीजिए। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है,
हफ्ते में 3 दिन होती है मरीजों की सोनोग्राफी की जांच। सिवनी मालवा से आते हैं रेडियोलॉजिस्ट। दिन भर में कुछ ही मरीजों की जांच हो पाती है। गंभीर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। दूर दूर से जिला अस्पताल में आते हैं मरीज। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ये बेहद गंभीर खामी है, ये बात जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा, इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं। चिकित्सालय में सोनोग्राफी को लेकर काफी परेशानियां जा रही हैं, क्या परेशानी है? मुख्य रूप से परेशानी है कि यहाँ पे कोई रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे पोस्टेड नहीं। सर, ऐसे कोई पेशेंट देखने में आ रहा है जिनका 19 तारीख से सोनोग्राफी होना था लेकिन आज तक नहीं हुई, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें होती है? मेरे ख्याल से कल तो डॉक्टर शेखर रघुवंशी आए हुए थे, ठीक है ना, पर वो मुश्किल क्या रहती है कि असल में पेशेंट कई बार इतने ज्यादा रहते हैं, इतने अधिक पेशेंट रहते हैं कि एक लिमिट में ही जो है 20 से 25 का एक वो रहता है कि इससे अधिक जो है ना सोनोग्राफी एक दिन में नहीं हो पाती है। सर, कई बार व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए? व्यवस्था ये होना चाहिए कि जब तक हमारे पास कोई रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर एक या दो लोग नहीं रहेंगे ना, तब तक हमें ये समस्या जो है हमारी हल होने वाली नहीं है। अस्पताल में मरीजों की फजीहत और जिम्मेदार डॉक्टर्स का जवाब बताता है कि यहाँ मरीज भगवान भरोसे। सवाल उठता है कि सोनोग्राफी जैसी बेहद जरूरी जांच के लिए अगर गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़े तो जिम्मेदार कौन? क्या ये मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? क्या जिम्मेदार रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए संजीदा नहीं है? जबकि ये मसला व्यवस्थाओं से ज्यादा मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है। नर्मदापुरम जिले के साथ साथ सीमावर्ती जो जिले हैं वहां से भी पेशेंट यहां पर आते हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सोनोग्राफी जो कर सके, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय की है। विस्तार न्यूज के लिए नर्मदापुरम से आशीष मालवीय। तो देखा आपने कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से भगवान के भरोसे है। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राई स्कूल की नींव रखी गई, लेकिन ग्वालियर में अभी तक बेहतर शिक्षा का सपना अधूरा है क्योंकि यहाँ कई स्कूलों का निर्माण तो नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि जब स्कूल ही आधे अधूरे हैं तो सपने भला कैसे पूरे होंगे। सीएम राई स्कूल आधे अधूरे, कैसे होंगे बेहतर शिक्षा के सपने पूरे? सरकारी स्कूल के बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के मुकाबले खड़ा करने की कवायद अभी आधी अधूरी ही नजर आ रही है। ये ग्वालियर में बन रहे सीएम राइज स्कूलों की हकीकत है। कई भवन अभी भी आधे अधूरे हैं। 2 शिक्षा सत्र बीत गए और हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों को बनने में अभी भी 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल की घोषणा की और यह हर जिले में सीएम राइज स्कूल बन रहा है, लेकिन हालात सरकारी स्कूल जैसे हैं। जिले में इस वक्त 8 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण का काम चल रहा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी जमीन पर अतिक्रमण है, जिनके चलते बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रही या फिर बिल्डिंग बनने का काम अटका हुआ है, तो कई जगहों पर काम की रफ्तार काफी धीमी है। कुलैत में बिल्डिंग का काम महज 60% हुआ है। डबरा और भितरवार में जमीन का सीमांकन देरी से हुआ, निर्माण देरी से शुरू हुआ और अभी तक 25% ही काम हुआ। बैरजा में स्कूल का एक ब्लॉक ही तैयार हुआ। पटेल स्कूल हजीरा में भी एक ब्लॉक ही तैयार है, जहां दूसरा ब्लॉक बनना है वहां पर अतिक्रमण है। डीडी नगर स्कूल का निर्माण 50% पूरा है। बाउंड्री वॉल बनाने में आ रही है परेशानी, रास्ते पर अतिक्रमण है। पद्मा राजे सीएम राज स्कूल महज 25% ही बना है। सीएम राज स्कूलों को बनने में लगभग 1.5 से 2 साल हो गई, अभी तक नहीं बन पाया है। 2 सत्र बीत गए हैं, इसके बावजूद भी यह आज भी अधूरे हैं। हालात ये हैं कि पूरे ग्वालियर के अंदर यही सीएम राज स्कूल के हालात हैं। जहां पर सीएम राज स्कूल बन रहे हैं वहां पर या तो अतिक्रमण है और इसको प्रशासन भी नहीं हटा पा रहा है। यही कारण है कि कई सीएम राज स्कूल बनकर भी तैयार हो गए हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। अभी तक महज 1-2 सीएम राइज स्कूलों में ही कक्षाएं शुरू हो पाई हैं, लेकिन यहां भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। इन स्कूलों में अभी तक परिवहन की सेवा नहीं है, हालांकि जिम्मेदार जल्द ही परिवहन सेवा शुरू करने का दावा कर रहे हैं।
वाहन का जो टेंडर की प्रक्रिया है वो वरिष्ठ कार्यालय में संचालित है और ऐसी संभावना है कि जुलाई फर्स्ट वीक में वाहन बच्चों को उपलब्ध हो जाएंगे। वाहन की उपलब्धता के बाद जो छात्रों की उपस्थिति है वो निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी और वो नियमित रहेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना है कि 3 बिल्डिंगों को छोड़कर शेष सभी स्कूलों की बिल्डिंग बनाना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि कुछ स्कूलों की बिल्डिंग हमें सत्र में मिल जाएगी और कुछ बिल्डिंग अगले सत्र में जाकर तैयार हो पाएगी। वहीं स्कूलों में परिवहन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 3 स्कूलों को छोड़ दें, बाकी सभी की बिल्डिंगें अब मतलब प्रारंभ हो गई हैं बनना। लगभग हमको इस साल दिसंबर तक जो उम्मीद है कि लगभग 10 से 12 बिल्डिंगें हमको इसी सत्र में माने इसी सत्र के बीच में मिल जाएंगी और शेष बिल्डिंग हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में हमको तैयार मिल जाएंगे। फिलहाल तो सीएम राइज स्कूलों का मकसद ग्वालियर में पूरा होता नजर नहीं आता। शुरुआती लचर व्यवस्था के चलते 2 शिक्षा सत्र बीतने के बाद भी आधे अधूरे भवन निर्माण दावों की पोल खोल रहे हैं और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल चल रहे हैं वह अभी सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। यही कारण है कि ग्वालियर शहर की जो सीएम राइज की जो नवीन बिल्डिंगें बन रही हैं वो अतिक्रमण की चपेट में हैं और प्रशासन इन अतिक्रमण को हटाने में अभी भी असफल साबित हो रहा है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, बिस्ता न्यूज। झाबुआ में लोक सेवा केंद्रों पर लोग अपने कामों के लिए लगातार भटक रहे हैं। भीड़ लग रही है लेकिन कागजात तैयार ही नहीं हो रहे। कहीं बिजली चली जाने के कारण काम नहीं होता तो कहीं इंटरनेट स्लो हो जाने से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त लोगों को डॉक्यूमेंट्स की बहुत जरूरत है। झाबुआ के थांदला में लोकसभा केंद्र के बाहर लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी धूप और गर्मी के बीच इंतजार कर रहे हैं लेकिन काम है कि होता ही नहीं है। माँ बाप के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी भटकना पड़ रहा है क्योंकि कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है तो कभी केवाईसी ना होने का कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है, जबकि इन लोगों को अभी डॉक्यूमेंट्स की बेहद जरूरत है। किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है, कोई अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आया है तो कई लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काट रहे हैं क्योंकि ये वक्त स्कूलों और कॉलेज में एडमिशन का है और बगैर डॉक्यूमेंट्स के उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा। हाँ तो लाइट नहीं है इनके लिए। कल भी आया था तुम? हाँ कल भी आया था। ये आधार कार्ड फॉरवर्ड कराने के लिए हुआ काम? नहीं हुआ, वो अभी पावर नहीं है से बोला। कितने दिनों से आ रहा हूँ? 2 दिन हुआ सर। कभी शनिवार शुक्रवार 2-3 दिन आते तो ये लोक सेवा केंद्र वाले बोलते हैं कि आपको सोमवार नहीं तो अगले सोमवार को आना, तो एक एक हफ्ता भी दे देते, इस कारण हमारा काम नहीं हो पाता। हम बच्चों का आधार कार्ड सुधार करने आते अपडेट, तो आज मैंने आधार कार्ड दिया अभी तो बोले कि सोमवार को आना। सुबह 7 बजे से हम आए, कल आए, परसों भी आए थे और बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दे रहे। बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर नौजवान, हर कोई लोक सेवा केंद्रों की अव्यवस्था से जूझ रहा है। इधर जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। नेट वगैरह की समस्या, जैसे लाइट चली जाती तो तुरंत स्वान बंद हो जाता है, लाइट आने के बाद 10 मिनट बाद चालू होता है, 2-4 बार तो होता है। अभी तक तो स्वान रूम में है, वहाँ बैटरियों की व्यवस्था हो जाए तो स्वान, जैसे लाइट चली जाए तो स्वान हमेशा चालू रहे। अपने पास तो इन्वर्टर की व्यवस्था है, बाकी संबंधित जो स्वान ऑफिस है वहाँ कुछ कमी पेशी की वजह से स्वान बंद हो जाता है। टेक्निकल इशू है, नेट की भी प्रॉब्लम है तो हम शॉर्ट आउट करवा रहे हैं और अभी कुछ देर में शॉर्ट आउट करा रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जो आप समस्या बता रहे हैं नेट की कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट करा के और जो लोग हैं वहाँ पर हितग्राही हैं उनको हम जल्दी से जल्दी से। दिक्कतों से इनकार नहीं है लेकिन जरूरत इन परेशानियों को दूर करने की है क्योंकि फिलहाल शासन की बाकी योजनाओं से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर समय पर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुए तो छात्रों का एडमिशन नहीं होगा और छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यह आधार कार्ड या इनके जो प्रमाण पत्र हैं और यह तमाम सारी चीज़ें अगर अपडेट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्कूलों में इनको प्रवेश नहीं मिल पाएगा और इनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। विस्तार न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय भावर के साथ सिद्धार्थ कांकरिया।
तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।